एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रूमिंग योरसेल्फ। मैं अंकिता आज के इस वीडियो में लेकर के आई हूँ गाइस मीशो हैंडबैग हॉल। यस गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैंडबैग की, जो कि मैंने मीशो से परचेज किया है। काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस, एंड उनकी क्वालिटी मुझे एक्सपेक्ट भी नहीं थी। उतनी अच्छी क्वालिटी के बैग्स मुझे रिसीव हुए हैं। लिटरली यदि आप ऑफिस कॉलेज जाते हैं या फिर बाहर जाते हैं और आपको हैंडबैग की नीड है, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला होगा। आप लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखें। सो फटाफट वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूंगा इसकी सारे के सारे लिंक नहीं कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, क्योंकि मीशो पे लिंक नहीं होता, कोड होता है, एज वेल एज आपको मीशो के डाउनलोडिंग लिंक मिल जाएगी। यदि अभी तक आपने मीशो डाउनलोड नहीं किया तो आप मेरे दिए हुए लिंक से मीशो डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे आपको 100 रुपीज़ या फिर 50% तक का ऑफ मिल सकता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इस हॉल का जो हमारा फर्स्ट बैग है कुछ इस टाइप से है। यू गाइस कैन सी दिस, ये बहुत ही सटल ग्रीन कलर का बैग है, लाइक भड़कीला ग्रीन कलर नहीं है। आप देख सकते हैं इसका जो ग्रीन कलर है वो काफ़ी ज़्यादा सेटल्ड है। सो यदि आपको ब्लैक एंड वाइट बैग से आप बोर हो गए हैं तो आप कुछ इस टाइप के कलर का बैग ले सकते हैं। लाइक इसका जो कलर है वो पेस्टल ग्रीन है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक मैं अभी इसको हैंड पर रखूँ तो मेरे इस गेटअप के साथ भी काफ़ी अच्छे से चला जाएगा। सो ये कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कुछ इस टाइप का कलर मेरे कलेक्शन में नहीं था, दैट्स वे मैंने इसको परचेज किया। फ्रेंड्स से आप देखेंगे तो आपको इसमें कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर वाला पैटर्न मिल जाता है। ये सिंपल नहीं है, कुछ इसमें स्ट्रक्चर टाइप का प्रिंट दिया गया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। देन आपको यहाँ पे ब्रांडिंग का लोगो दिख जाएगा जो कि गोल्डन कलर में है, दैट्स वे ये एक थोड़ा सा चार्म ऐड कर देता है। लाइक मेरे बैग पे जब भी थोड़ा सा गोल्डन हिंट होता है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एंड ये जो बैग है ना वो थोड़ा स्ट्रेची बैग है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा फिलर भरा हुआ है। अदर देन मैंने इसके सारे फिलर निकाल दिए, फिर भी इसका स्ट्रक्चर कहीं नहीं गया है। एंड आज के टाइम पे कुछ स्ट्रक्चर बैग ही ट्रेंड पे है, लाइक जो अपना सेफ ना खोए, फिलर आप निकालते हैं, आप इसमें बहुत ज़्यादा सामान अपना कैरी नहीं भी करते हैं तब भी अपना सेफ नहीं खोएंगे, वैसे कि वैसे बने हुए इस टाइप के बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छे एंड क्लासी लगते हैं। अब बात करें इस बैग की, फ्रंट पे आपको सिर्फ एक ही चैन मिलता है, जिसके बाद आपको कुछ इस टाइप से 3 कंपार्टमेंट मिल जाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। लाइक यदि आप ऑफिस वगैरह भी जाते हैं तो आप इसमें एक पानी की बॉटल रख सकते हैं, आप अपनी नोट्स रख सकते हैं, एज वेल एज आप इसमें अपना चार्जर, फ़ोन, थोड़ा बहुत मेकअप का सामान, वॉलेट वगैरह ईजिली रख सकते हैं। तो ये अच्छा खासा आपका ऑफिस बैग भी बन जाता है। देन आपको लास्ट वाले कंपार्टमेंट पे यहाँ पे साइड पे चैन वाला पैटर्न भी दिया गया, लाइक छोटू सा कंपार्टमेंट दिया गया। यदि आप अलग से वॉलेट नहीं कैरी करना चाहते हैं तो आप अपने कॉइन या फिर मनी वगैरह यहाँ आप पीछे साइड जीपर वाले सेक्शन पे सेव कर सकते हैं, एज वेल एज आपको यहाँ पीछे साइड भी छोटा सा सेक्शन मिल जाता है जिसमें जीप लगा है, जिसकी वजह से आपको कोई भी सामान यहाँ से गिरेगा नहीं। आप ईजिली अपना कैश वगैरह चाहें तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, एज वेल एज अपने कार्ड वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं। सो ओवरऑल मैं इस बैग की बात करूँ तो इसका लुक पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, उतना ही ज़्यादा ये स्पेसियस भी है। लाइक देखने पे ये बहुत भप्पड़ इतना बड़ा सा बैग नहीं है, काफ़ी अच्छा डिसेंट साइज का बैग है। एंड आप अपने इनफ प्रोडक्ट इसमें कैरी कर सकते हैं, एंड आप चाहें तो आप इसको हैंड बैग की तरह यूज़ कर सकते हैं। एज वेल एज इस टाइप से आपको स्ट्रैप अलग से मिलता है, तो आप इसको यहाँ से चाहें तो अटैच करके, लाइक यहाँ अटैच करने वाला पैटर्न दिया गया है साइड पे, तो आप इसको अटैच करके स्लिंग बैग भी बना सकते हैं, हैंड स्लिंग बैग की तरह से भी इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें और कलर ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक पिंकिश हिंट पे है, ब्राउन हिंट पे है, कुछ ऐसे कलर ऑप्शन अवेलेबल हैं जो कि सारे के सारे पेस्टल कलर हैं, वो भी काफ़ी खूबसूरत हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। सो इस बैग के लिए जो प्राइस मैंने पे की है गाइस, लिटरली जितनी अच्छी इस बैग की क्वालिटी है, क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, उससे भी कम प्राइस, लाइक मैंने इसके लिए 662 रुपीज़ प्राइस की है। बट यदि ये 1000 रुपीज़ भी इस बैग के लिए चार्ज करते तब भी मैं इसको दे देती, लाइक इसकी क्वालिटी उतनी ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट जो हैंडबैग मैंने परचेस की है गाइज, वो कुछ इस टाइप से प्रिंटेड वाइट कलर का हैंडबैग है गाइज। लिटरली मेरे पास वाइट कलर के बहुत सारे बैग हैं मेरे कलेक्शन पे, बट कुछ इस टाइप के प्रिंट वाला कलेक्शन नहीं था। एंड जब मैंने मीशो पे इसको देखा तो मैंने मतलब फटाफट ग्रैब कर लिया, मुझे इसका प्रिंट, डिज़ाइन एंड कलर सब कुछ अच्छा लग रहा था, मैंने वाइट पे लिया है। इसके अलावा आपको इसमें ब्लैक पे मिल जाएगा, एंड एक दो कलर ऑप्शन और हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं, लाइक प्रिंट के अलावा भी, लाइक इसमें आई थिंक येलो कलर भी था जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बट वाइट मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। बट क्योंकि वाइट बेस पे ये प्रिंट उभर के आ रहा था, कहीं भी आप अपना बैग ऐसे रख देते हैं तो थोड़ा अलग ही इसका लुक आ रहा था, दैट्स वे मैंने इसको परचेज किया है। अब बात करें इस बैग की, तो आप देख सकते हैं फ्रंट से देखने में कुछ इस टाइप से दिखता है, ये कुछ बो टाइप का पैटर्न बनाया गया है
जहाँ से ये बैग ओपन एंड क्लोज होता है। लाइक यहाँ पे एक बटन दिया गया है जिसको आपको थोड़ा सा प्रेस करना है तो ये ओपन हो जाता है। देन यहाँ से आपका कंपार्टमेंट चालू होता है जो कि जीपर से क्लोज है, गोल्डन कलर की जीपर दी गई है। देन यहाँ से ये ओपन हो जाता है एंड ये सिंगल कंपार्टमेंट का बैग है। आप देख सकते हैं केवल और केवल इसमें एक ही कंपार्टमेंट दिया गया है, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। अंदर से आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत इसमें फिलर भरा हुआ है, कुछ तो मैंने निकाल दिया, कुछ अभी भी भरा हुआ है, कुछ अभी भी भरा हुआ था। तो आप देख सकते हैं कुछ स्टेप से आपको सिंगल कंपार्टमेंट मिलता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। लाइक मैं इसमें अपना चार्जर, फ़ोन, वॉलेट एज वेल एज पानी की बॉटल, मैं चाहूँ तो अपना ब्लॉगिंग कैमरा वगैरह इसमें डाल सकती हूँ, इतना ज़्यादा स्पेसियस है। आप इसमें अपने नोट्स वगैरह भी, थोड़ा बहुत मेडिसिन आप इसमें कैरी कर सकते हैं, मेकअप का प्रोडक्ट कैरी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। साइड पे अगेन इसमें जीपर काइंड ऑफ सेक्शन दिया गया है, लाइक यहाँ पे आपको जीपर सेक्शन मिल जाता है जिसमें आप अपने कॉइन्स और मनी एंड कार्ड वगैरह अपने सेफ रख सकते हैं बात करें इसके बैक साइड पे, तो बैक साइड पे अगेन आपको एक जीपर सेक्शन मिल जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप अपने एसेंशियल चीज़ें रख सकते हैं जो कि आपको बार बार ज़रूरत है, लाइक अपने टिशू वगैरह रख सकते हैं एज वेल एज अपनी हैंकी वगैरह यहाँ पे आप रख सकते हैं एंड आप देख सकते हैं बैक साइड पे काफ़ी भरी हुई प्रिंट मिलती है एंड फ्रंट साइड पे थोड़ा कम प्रिंट मिलता है। ओवरऑल इस बैग का डिज़ाइन, लुक, पैटर्न मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगा। आप नेक्स्ट जो बैग मैंने लिया है वो काफ़ी डिसेंट सा छोटू सा हैंड बैग लिया। लाइक हम शॉपिंग वगैरह पे जा रहे हैं, हमको बहुत बड़ा बैग कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर आप कहीं मीटिंग वगैरह पे जा रहे हैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम के लिए मैंने ये कुछ इस टाइप से हैंड बैग परचेज किया है। लाइक जितना भी फिलर था मैंने इसमें निकाल दिया था, हैंड बैग की तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। लाइक आप देख रहे हैं अभी इसमें कुछ भी सामान नहीं भरा हुआ है, जितना फिलर इसमें भरा हुआ था मैंने सब कुछ निकाल दिया, बट जब आप इसको अपना सामान रखेंगे तो ये काफ़ी अच्छा सेफ ले लेगा, क्योंकि ये अगेन स्ट्रक्चर वाले बैग हैं, कहीं पे आप अपने बैग रख देते हैं तो ये अपना सेफ नहीं खोते हैं। एंड मैं आपको बताना भूल गई कि आपको यहाँ पे भी एक पॉकेट मिल जाता है, लाइक जहाँ से आपका ये क्लोज होता है वहाँ पे भी पॉकेट है, तो आप चाहें तो अपना थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे भी कैरी कर सकते हैं, बट ये किसी भी तरीके से सेफ नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर मूव होगा तो आपका सामान गिर सकता है। तो मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगी कि आप यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ कैरी करें जो कि गिर जाए, अदर देन आप चाहें तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड इस बैग को आप चाहें तो ऐसे कैरी कर सकते हैं, लाइक हैंड बैग की तरीके से कैरी करेंगे तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा लगेगा। एज वेल एज इसमें व्हाइट कलर का स्ट्रैप दिया गया है जिसको आप यहाँ पे साइड पे लगा करके इसको स्लिंग बैग की तरीके से भी कैरी कर सकते हैं। काफ़ी लंबा स्ट्रैप है तो जितना चाहे उतना आप इसमें एडजस्ट भी कर सकते हैं, एडजस्टेबल स्ट्रैप है, तो चाहे तो आप इसको हैंड बैग के तरीके से कैरी करिए, चाहे तो आप इसको स्लिंग बैग के तरीके से कैरी करिए, जैसा चाहे आप वैसा कैरी कर सकते हैं। तो इस हैंड बैग के लिए जो प्राइस मैंने पे की है गाइस वो की है 671 रुपीज़। दैट्स वे ये अपना स्ट्रक्चर लूज कर रहा है, बट यदि इसमें अपना मैं प्रोडक्ट डाल दूं देन उसके बाद ही अपना सेफ ले लेगा। आप देख सकते हैं कि आपको अपने कुछ ही सामान कैरी करने हैं, उस टाइम के लिए ये बैग काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स से मैं इस बैग की बात करूं कि ये थोड़ा सा पोटली काइंड ऑफ शेप में मिलता है, आप देख सकते हैं थोड़ा सा राउंड एंड पोटली काइंड ऑफ शेप में है। मुझे इसका कलर ब्लॉक पैटर्न काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आप देख सकते हैं इसमें आपको कई सारे कलर मिल जाएंगे, ब्राउन टोन स्पेशली इसमें बहुत सारे ब्राउन टोन के कलर ब्लॉक पैटर्न दिए गए हैं फ्रेंड्स से, जिसमें आपको काफ़ी सारे कलर मिल जाएंगे। ये बहुत सेटल्ड है, आप सारे आउटफिट के साथ इसको कैरी कर सकते हैं, ब्लैक हिंट इसमें ज़्यादा है एंड ब्राउन हिंट ज़्यादा है, दैट्स वे आप इसको सारे आउटफिट के साथ कैरी कर सकते हैं। इसमें आपको और कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे मैंने जो ब्राउन टोन पे लिए हैं, इसके अलावा इसमें पिंकिश टोन, येल्लो टोन, ऐसे आपको कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। बैग की मैं बात करूँ तो यहाँ आपको जिप मिल जाएगा एंड यहाँ आपको दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, लाइक एक कंपार्टमेंट आपको यहाँ पे मिलता है जिसमें आप अपने बहुत सारे प्रोडक्ट लाइक अपना फ़ोन, चार्जर, कुछ एक मेकअप के प्रोडक्ट रख सकते हैं, एज वेल एज आपको बीच का जो कंपार्टमेंट मिलता है वहाँ पे आपको जिप वाला सेक्शन मिल जाता है। ये भी जिपर से क्लोज है, जो बीच का जो कंपार्टमेंट है वो भी जिपर से क्लोज है, जिसमें आप अपने एसेंशियल्स, कार्ड या मनी वगैरह रख सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे सेकेंड कंपार्टमेंट मिलता है। ओवरऑल इसमें एक बीच का सेक्शन दिया गया है, लाइक कुछ इस टाइप से एक बीच का सेक्शन है जो कि दो आपस में दो कंपार्टमेंट बनाता है। एंड देन आपको इसमें सिंगल कंपार्टमेंट ही मिलने वाला है जिसमें आप अपने थोड़े बहुत प्रोडक्ट कैरी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं कैरी कर सकते, हाँ जितना आपका एसेंशियल प्रोडक्ट है आप उतना इसमें कैरी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा छोटू सा डिसेंट सा बैग है एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, लाइक 258 रुपीज़ में ये बैग आपको मिल जाता है।
158 रुपीज़ में मैं यदि इस बैग की क्वालिटी की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बैग आपको मिल जाता है, तो आप ये बैग भी ले सकते हैं। नेक्स्ट बैग मैंने लिया है, अगेन एक छोटा सा बैग लिया है। कभी कभार हमारा मूड होता है कि हम बहुत सारा प्रोडक्ट ना लें और बस छोटा सा बैग लेके चले जाएं, दैट्स पर्पज़ के लिए मैंने ये बैग लिया है। स्पेशली मुझे इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था एंड देखने पे काफ़ी ज़्यादा डिसेंट लग रहा था। सिंपल मैंने ब्लैक कलर का ये बैग लिया है, देखने पे कुछ इस टाइप से, अगेन इसका भी सेफ काइंड ऑफ पोर्टली काइंड ऑफ सेफ है, मुझे इसका सेफ काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड इसका जो पैटर्न है हैंग करने वाला है उसका भी सेफ काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं ऐसा थोड़ा सा मुड़ा मुड़ा काइंड ऑफ सेफ है, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं। ओवरऑल बैग एंड जो इसमें हैंग होता है उसका सेफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बात करें इस बैग की, इसमें आपको कोई जीपर सेक्शन नहीं मिलता, सिंपल यहाँ पे टिकटॉक वाला क्लिप लगाया गया है जिसकी वजह से बैग ओपन एंड क्लोज होता है। ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो ये इतने सेफ नहीं होते हैं, लाइक यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जर्नी कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये इतना सेफ नहीं होता है। इस टाइप के बैग से आपके प्रोडक्ट गुम होने के चांसेस हैं, आपके बैग से चोरी होने के चांसेस हैं, बट जीप वाले बैग से आपके प्रोडक्ट गिरेंगे भी नहीं और चोरी भी नहीं होंगे, तो ये इतना सेफ नहीं है। बट ठीक है, यदि आप बहुत ज़्यादा कैरी नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कैरी कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफ़र नहीं कर रहे हैं, तब के लिए ठीक है। ये सिंगल कंपार्टमेंट का बैग है, अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस है। लाइक आप इसमें एक छोटा सा पानी का बॉटल रख सकते हैं, अपने चार्जर रख सकते हैं, मोबाइल रख सकते हैं, थोड़ा बहुत मेकअप का प्रोडक्ट, अपने वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, दैट्स इट। एंड यहाँ आपको साइड पे जिपर वाला सेक्शन मिल जाता है, यहाँ साइड पे आपको जिपर सेक्शन मिल जाता है जिसमें आप अपने मनी एंड कार्ड वगैरह को सेफ रख सकते हैं। आई थिंक मैंने इसमें अपने कुछ पैसे भी रखे हुए हैं। सो आपको अपने एसेंशियल चीज़ें, जो इस टाइप की बैग होती हैं जो फ्रंट से जीपर क्लोज नहीं होती हैं, एसेंशियल चीज़ें हमेशा आपको अपने कार्ड्स एंड मनी हमेशा जिप के अंदर ही रखना चाहिए, जो यहाँ पे साइड पे दिए रहते हैं। ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। ओवरऑल बैग का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा एंड ये बैग काफ़ी अफोर्डेबल है। इसमें कलर ऑप्शन भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैंने ब्लैक में लिया है, वाइट का कलर ऑप्शन अवेलेबल है, आई थिंक येलो है, एक दो कलर और आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें और एक दो कलर ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसमें जो प्राइस मैंने पे, इसके लिए जो प्राइस मैंने पे की है गाइज, वो की है 300 रुपीज़। नेक्स्ट जो बैग मैंने परचेस की है गाइज, वो कुछ इस टाइप से जूट बैग मैंने परचेस किया है। जूट बैग बहुत ही ज़्यादा इन ट्रेंड है। लाइक यदि आप ट्रैवल वगैरह पे कहीं पे जा रहे हैं, लाइक आप सारे दिन के लिए निकल रहे हैं, तो आप अपने सारे एसेंशियल चीज़ें इस टाइप के बैग पे कैरी कर सकते हैं। एज वेल एज यदि आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तब भी इस टाइप के बैग आप यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिड भी लगते हैं एंड ये काफ़ी ज़्यादा इन ट्रेंड है। काफ़ी टाइम से मैं जूट बैग सर्च कर रही थी एंड मीशो पे मुझे मिल गया, देखते ही मैंने ग्रैब कर लिया। ना सिर्फ ये मुझे मिल गया, काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे मुझे मीशो पे मिल गया, मैं ये बोलूँगी। अब बात करें इस बैग की, तो आपको कुछ इस टाइप से ये बैग मिलता है। काफ़ी अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, लाइक लाइट एंड डार्क ब्राउन का कलर कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको ब्लैक कलर की एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है। ओवरऑल इसका लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। पीछे से आप देखेंगे तो ये पीछे से थोड़ा सा क्रीमी कलर पे है। अब बात करें इस बैग की, तो आपको इसमें दो कंपार्टमेंट मिलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ आपको कुछ इस टाइप से दो कंपार्टमेंट मिलता है। एंड ये जो बैग है वो काफ़ी बड़ा एंड अच्छा स्ट्रक्चर बैग है, तो आप चाहे तो जितना सारा प्रोडक्ट चाहे तो इस पूरे बैग को आप भर सकते हैं, जितने चाहे उतने प्रोडक्ट, जितने चाहे अपने एसेंशियल इसमें कैरी कर सकते हैं। यदि आप ट्रेवल वगैरह कर रहे हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, आप एक दो बुक इसमें रख सकते हैं, आप अपने नोट पैड रख सकते हैं, आप कुछ भी इसमें कैरी कर सकते हैं। आई थिंक इसमें आधा घर अपना कैरी किया जा सकता है, दैट्स आज पार्ट ऑफ जोकिंग, बट आप इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट कैरी कर सकते हैं। आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो जितना कुछ शॉपिंग कर रहे हैं, शॉप कर रहे हैं, तो वो सब कुछ भी इसमें कैरी किया जा सकता है। एंड यहाँ साइड से आपको जीपर वाला सेक्शन भी मिल जाएगा, छोटू सा जीपर सेक्शन है जिसमें आप अपने कॉइन्स एंड कार्ड वगैरह भी सेफ रख सकते हैं। ओवरऑल इस बैग की मैं बात करूँ तो इसकी क्वालिटी, इसका लुक, सब कुछ मुझे काफ़ी अच्छा लगा। आई रियली लाइक दिस बैग एंड ये काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है गाइस। ये आपको मिल जाएगा 315 रुपीज़ में एंड इसमें और कलर कॉम्बिनेशन है। लाइक ये थोड़ा सा मैंने काफ़ी अच्छा कलर लिया है, आप चेकआउट कर सकते हैं। लाइक ये थोड़ा सा बेज एंड ब्राउन के हिंट में आपको मिलता है। इसके अलावा भी इसमें ऐसे ही कुछ टोन पे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हैंड बैग मैंने परचेस की है गाइज, वो कुछ इस टाइप से ब्लैक कलर का हैंड बैग परचेस किया। यू गाइज कैन सी दिस, ये मुझे देखने
में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। लाइक ये स्मॉल हैंड बैग है और ये एक स्ट्रक्चरी बैग है जो कि अपना स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं खोता है। मैंने इसमें कुछ भी नहीं रखा है, लिटरली कुछ भी नहीं रखा है एंड सारा फिलर भी हटा दिया गया है, फिर भी ये अपना स्ट्रक्चर नहीं खो रहा है। ऐसे बैग मुझे काफी ज्यादा पसंद है जो कि अपना स्ट्रक्चर ना खो। लूज दिखने वाले बैग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। ये स्मॉल हैंड बैग है तो आप ऑफिस या फिर किसी मीटिंग वगैरह के लिए जा रहे हैं तो काफी डिसेंट एंड क्लासी लुक देने में हेल्प करते हैं। बात करें इस बैग की तो आप देख सकते हैं इसमें ब्लैक कलर का ये बैग है एंड काफी अच्छा एक सेटल्ड साइन के साथ ये बैग मिल जाता है। लाइक इसका जो ऊपर का पार्ट है वो इसमें एक साइन है, ये मैट बिल्कुल भी नहीं है बट वैसा कुछ ब्लिंगनेस वाली साइन नहीं है, काफी सेटल्ड साइन है। देखने पे ये बैग काफी ज्यादा अच्छा लगता है एंड साइड से आपको यहाँ पे गोल्डन कलर के हार्डवेयर लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं साइड पे गोल्डन कलर के हार्डवेयर है जिसकी वजह से इस बैग पे एक चार्म ऐड हो जाता है। गोल्डन कलर का यहाँ पे हार्डवेयर लगने की वजह से बैग का लुक काफी अच्छा निकल के आता है। अब बात करें इस बैग की तो यहाँ कुछ आपको इस टाइप से जीपर वाला सेक्शन मिलता है जिसको आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से दो कंपार्टमेंट मिलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आपको टू कंपार्टमेंट मिलता है एंड ये बैग दिखने में भलाई छोटा सा है बट आप इसमें बहुत सारे अपने एसेंशियल प्रोडक्ट कैरी कर सकते हैं। आप इसको ऑफिस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने स्मॉल वाटर बॉटल रख सकते हैं एज वेल एज अपने प्लानर रख सकते हैं, अपना थोड़ा बहुत मेकअप का प्रोडक्ट कैरी कर सकते हैं, थोड़ी बहुत मेडिसिन कैरी कर सकते हैं, मोबाइल एंड चार्जर कैरी किया जा सकता है। तो इतना ये स्पेसियस है एंड बीच का पार्ट आप ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ जीपर वाला सेक्शन है। लाइक यहाँ पे जीपर सेक्शन दिया गया है जिसमें आप अपने एसेंशियल चीज़ें लाइक कार्ड या फिर मनी कॉइन्स वगैरह आप चाहे तो यहाँ पे रख सकते हैं। आपको इसमें सिंगल ब्लैक कलर ही मिलता है बट ये जो ब्लैक कलर है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। स्पेशली मैं हैंड बैग की बात करूँ तो ब्लैक कलर काफ़ी अच्छे लगते हैं एंड ये सदाबहार वाले कलर हैं। लाइक कोई भी कलर आउट ऑफ ट्रेंड जा सकता है बट ब्लैक कभी आउट ऑफ ट्रेंड नहीं जा सकता है। आप चाहें तो इस बैग को ऐसे एज अ हैंड बैग की तरीके से भी कैरी करेंगे तो काफ़ी डिसेंट एंड क्लासी लगेगा बट यदि आप इसको एज अ हैंड बैग की तरीके से कैरी नहीं करना चाहते हैं, स्लिंग की तरीके से कैरी करना चाहते हैं सो आपको इस टाइप से स्ट्रैप मिल जाता है। लाइक ये बहुत लंबी तो नहीं है बट आप इसको लगा लेंगे तो एज अ स्लिंग बैग की तरीके से भी इसको कैरी कर सकते हैं बट मैं प्रिफेयर करूँगी इसको ऐसे ही कैरी करना क्योंकि ये मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लासी पीस लग रहा है क्योंकि एंड ये बहुत अफोर्डेबल है। लाइक लिटरली बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। इसके लिए जो प्राइस मैंने पे की है गाइज वो की है 379 रुपीज़। सो गाइज ये था हमारा मीशो हैंड बैग कलेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और आपके लिए यूजफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इनमें से आपको सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा बैग आया है वो आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं एंड मैं आपसे मिलती हूँ जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। तब तक आप हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, खुद से खुद को ग्रूम करते रहिए गाइज जो कि है हमारा मोटिव। एंड यदि आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं और ज़्यादा तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हैंडल आपको यहाँ पे दिख रहा होगा तो आप मुझे वहाँ फॉलो कर लें, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ एंड बाय।